बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स। में ये देखिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आके है हैदराबादी स्पेशल, रमज़ान स्पेशल मटन हलीम बनने वाली है। ऑलरेडी मटन हलीम मेरे चैनल पे है फ्रेंड्स, सब रमज़ान है, फिर से बना रही मैं, क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए बोल के फिर से शेयर करी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल भी गाली मैं, इसमें चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और बासमती चावल सब भिगा दी धो के साफ। और ये देखिए, ये है गोश, 1 किलो गोश है ये हड्डी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नाटरवा, इसको भी पानी में भिगा दी, आधी दाल गलाने के लिए रख दी फ्रेंड्स, करंट गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर प्याज फ्राई हो रही ब्राउन अनियन के लिए, और इधर देखिए दाल गलाने के लिए रख दी नहीं दाल, एक एक करे तक लेट हो जाता, तार का टाइम बहुत ही खरीब है। ये कट से है गेहूं का रवा, इसको गलाने के लिए रख देंगे, इसको कुकर में डाल के इसको गला के फिर दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए हमारे दालें पूरी गल गई, इसको ठंडा होने के लिए रही फैन के नीचे। देखिए ये नाटरवा है, ये भी गल गया, इसको भी ठंडा होने रखेंगे। गेहूँ का रवा देखिए, इसमें दाल, इसमें गोश्त गल रहा और इसमें बचे हुए दालें जो भी है वो भी गलने के लिए रख दी फ्रेंड्स। अभी गलने के बाद बाकी का दिखाऊंगी मैं, गोश्त को बघार दिए। देखिए हमारी तली हुई प्याज, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दालों सब भी अच्छे से गला के इसको पीस के रख रहे, और आधे आधे करके दाली में जल्दी पकने के लिए दो बगनों में, और गोश्त भी अच्छे से गल चुके। गोश हड्डी अलग करके इसको मैश करेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गोश की तरी, इसमें डाल देंगे ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको गैस पे चढ़ा दी दो बोगना में करके। अब क्या करेंगे, ये इसमें ऐड करेंगे दो बोगने में आधा आधा करते हुए। अब गोश्त पीस के इसमें मिक्स कर देंगे इसमें, ये देखिए इसको इसको अच्छे से पीस के इसमें दो में आधा आधा करके मिक्स करके मिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से करेंगे तो जल्दी होता फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, 6 बज रहे, अब आधे घंटे बन के तैयार होना है रमजानों के लिए। देखिए मैं इसको पीस के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, पीस के इसमें एक गोश्त इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखिए आधा आधा करके बाकी का उसमें डाल देंगे। ये देखिए बाकी का गोश्त भी पीस के मिला देंगे उसमें, पीस के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, दो में आधा आधा करके डाल दी, इसमें भी ऐड करी पीस के गोश्त, और इसमें भी ऐड करी। इसमें ऐड करेंगे काजू बादाम का जो पेस्ट है, इसमें आधा, और इसमें आधा पाउडर डालने से नहीं मिलता आपको फ्रेंड्स जल्दी। और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा, एक इसमें डाल देंगे, और काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसी के साथ। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको घेरते रहना इसी तरीके से जब तक अच्छे से पकना जाए। देखिए इधर नेहा घेट रहे, इधर मई घेटे, दोनों दो तरफ आप करके
ऐसा करेंगे तो जल्दी हो जाता है। माशाल्लाह देखें फ्रेंड्स, परफेक्ट हैदराबादी स्टाइल में हमारी हलीम कैसी बनके तैयार है। माशाल्लाह ऐसे भी रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में जो भी बनेंगे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता फ्रेंड्स। आज है 19वां रोज़ा, आप सबको 19वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक है। मिलो मिलो मिलो, रुकना नहीं, हाथ नहीं रुकाना, हाथ उसके अंदर, हाथ में जरा देखा मुझे याद है। मिला ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें घी ऐड करेंगे इसमें। वालेकुम शरीफ भाई आए, तस्लीम आई, इफ्तार की दावत दावत यहाँ उतर गए। मैं भी करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें घी ऐड करेंगे, देसी घी। अब इसमें भी ऐड करेंगे, आज इफ्तारी हलीम है फ्रेंड्स, इसके साथ मोहब्बत का शरबत। जल्दी जल्दी हड़ाहड़ी में बंधे हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त लाने में लेट हो गया, ना जोहर पढ़ के उनका ऑफिस का काम देख लेके आए थे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, इसको इसको पकने के बाद दिखाऊंगी। घेटो देखिए फ्रेंड्स, हमारी हलीम बन के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, मटन हलीम। प्याज दो जी, अब इस पे डालेंगे तली हुई प्याज। प्याज अच्छे से डालना फ्रेंड्स, और इसमें पुदीना, और इसमें डालेंगे काजू। ये देखिए आयरन हो गया ना, ये भी दे दिया। और इसमें से इसमें डालेंगे नींबू, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी हलीम माशाल्लाह। देखो फ्रेंड्स, आज की इफ्तारी है मोहब्बत का शरबत और हमारी हलीम, आज का स्पेशल ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का शरबत डाल रहा हूं, मुबारक हो। परसों डालो, इसकी फोटो डाल।
पर रखो ये की चुता रखो घर में है बेड में है घर में छे क्या तैयारी हो गई हमारा देखो अभी ये देखिए फ्रेंड्स हमारी इफ्तारी हो गई माशाल्लाह देखिए ना हलीम खा रहे कैसी बनी थी हलीम नहीं आओ बेटो साइड में लाजवाब है अल्हम्दुलिल्लाह होटल की भी हैदराबाद की भी नहीं बनती ऐसी भी हैदराबाद हलीम ही छे वो हैदराबाद हलीम होटल में की भी इतनी टेस्ट नहीं बनती मेरे ख्याल से जल्दा जल्दी में भी बहुत बेहतरीन बनी ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पायल पायल कैसे सो गई इधर देखिए उड़ गई ये देखिए हमारी अरे हमारी तस्लीम भी आ गई देखो इफ्तार के लिए माशाल्लाह पूरे रोजे हमारी तस्लीम की दुआ करो हमारी तस्लीम के लिए